और घर में मैं वैसी ही हूँ जैसी सब जो अपने घर में जैसे रहते हैं। अनुपमा के सेट पर जो पहले दिन थी वैसे ही वही ट्रीटमेंट है कि जहाँ पे इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स आल्सो अबाउट यू नो मैन इन द हाउस, यू नो मैन इन द सोसाइटी। ऑफ कोर्स उनको कैसा चाल चलन होना चाहिए, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम्स इस शो में दर्शाई जाती हैं। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट ओनली हैव फीमेल व्यूअरशिप बट वी आल्सो हैव अ वेरी वेरी बिग मेल व्यूअरशिप ऑन द शो। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। देखिए, शो का नाम है अनुपमा और मैं तो अनुज प्ले कर रहा हूँ, तो हम शुरू करेंगे अनुपमा से। अनुपमा जी बोलिए। एक्चुअली 1000 एपिसोड इनके हुए, मैं तो बीच में आया। बट पॉजिटिव तो ऑफ कोर्स होता है, और राजन जी ने जो ये पहले दिन से चलन शुरू किया हुआ है हवन का, हम सबको भी आदत पड़ गई है कि जब भी कुछ भी माइलस्टोन हो और काम करते करते कभी ऐसा लगे कि थकान हो या कुछ हो तो हवन होते रहते हैं। अभी भी 2-3 हफ्ते पहले हवन हुआ था, और जब भी हवन होता है ऐसा लगता है कि जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है तो उसे रिचार्ज कर देते हैं, वैसे हम सारी पूरी यूनिट रिचार्ज हो जाती है हवन से। सो चाहे वो कोई भी माइलस्टोन हो, जैसे एपिसोड्स गिनते नहीं हैं, वी डोंट टॉक अबाउट इट, काम करते रहो, बाकी बस एवरीथिंग शुड बी गुड। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। एक्चुअली मेरे को भी बचपन में बोला गया कि मम्मी बोलती थी जब रोटी खाते हैं तो गिनते नहीं बेटा, तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि ऐसे चलते रहने चाहिए एपिसोड, और आप लोग बस ऐसी प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही आते रहिए, हमसे बातें करते रहिए, और राजन सर तो हैं ही बेस्ट स्टोरी टेलर, वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा देते रहेंगे, और आप उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर देखिए, इंजॉय कीजिए उसको, उस सॉफ्टवेयर को इंजॉय कीजिए। मैं फिल्म सिटी आती हूँ, फिल्म सिटी से घर जाती हूँ, और घर में मैं वैसी ही हूँ जैसी सब जो अपने घर में जैसे रहते हैं। अनुपमा के सेट पर जो पहले दिन थी वैसे ही वही ट्रीटमेंट है, मतलब DKP यहाँ पर जो अनुपमा की पूरी यूनिट है इज़ लाइक अ फैमिली नाउ। 3 साल हम लोग 12-14 घंटा रोज़ का दिन का एक साथ में बिठाते हैं, तो दे आर अ फैमिली, एंड तो कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं होता कि अनुपमा ऐसा कुछ बड़ा हो रहा है या उदा है। मेरे लिए अनुपमा मेरा वो ऑल्टर ईगो है जिसे मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ, और काश मैं अनुपमा जैसे बन पाती। एंड आई जस्ट होप बेसिकली स्टोरी पूछ रहे हैं आगे जो आपको पता है नहीं। ट्राइज जो होते हैं वो राजन जी करते हैं, मैं तो हम सारे बस उनके पपेट्स हैं, कहानी उनकी है, किरदार उनके हैं, हम शो भी उन्हीं का ही है, सब कुछ पैसा भी उन्हीं का लगा है। सो वी आर एक्चुअली इज राजन शाही, तो हम लोग वी आर जस्ट एक्टर्स ऑन द शो, या वी आर जस्ट कठपुतलीज। सो ये ट्रैक्स वगैरह, और यहाँ पर ना CBI से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हमको कुछ नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, ज़रा भी नहीं पता। कई बार तो हम लोग जब सीन कर रहे होते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये सीन है और इसके बाद ये होने वाला है। एक्चुअली बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्योंकि अनुपमा दोनों घरों में होती है, शाह हाउस में भी होती है, कपाड़िया में भी होती है, तो जिस दिन ये शाह हाउस करी होती है उस दिन हम लोग की छुट्टी होती है, तो हम लोग ऐसे आउट हो जाते हैं स्टोरीज, हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है, तो जब हम शूट पर आते हैं तो पता चलता है डायरेक्टर से पूछ के, असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछ के कि अच्छा अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये, तो हम लोग को भी एक्चुअली स्टोरी नहीं पता होती। सो सारे व्यूअर्स को यही बताना चाहते हैं कि हमको भी उतना ही मजा आता है सीन करते हुए, क्योंकि सीन में हमको पता चलता है ओ तेरी ये होने वाला है। हाँ, जैसे तो आप लोगों को देखते हुए पता चलता है, हमको करते हुए पता चलता है, पहला मास्टर शॉट देते हुए तभी पता चलता है तो आगे की स्टोरी पता नहीं है, लेकिन हाँ राजन जी हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, और वो कुछ ही हैज सम स्पेसिफिक थिंग्स इन माइंड। द शो इज वेरी क्लोज टू हिम, उनके मम्मी का शो है, एक तरह से आंटी का भी थॉट उसमें गया हुआ है, तो काफ़ी कुछ विमेन एम्पावरमेंट के लिए वो कहते हैं एक शो के ज़रिए, एंटरटेनमेंट के ज़रिए वो कहते हैं, ही पुट सम पॉइंट्स अक्रॉस, जैसे कि फॉर एनिमल्स, फॉर मतलब फॉर एनवायरनमेंट के लिए कहते हैं, फिर बार्गेन मत कीजिए छोटे स्मॉल वेंडर्स के लिए, खाना वेस्ट मत कीजिए फार्मर्स, यू नो वो सब कुछ पॉइंट्स वो लेकर आते हैं, ऐसे छोटी छोटी पॉइंट्स वो हमेशा लेकर आते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी ज्वाइन करना चाहता हूँ जो रूपाली जी ने कहा, वो उसमें कि हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और ये अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन मैंने इस शो में कई बार ये भी नोटिस किया है ड्यूरिंग द सीन्स कि इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट मैन एम्पावरमेंट टू। आई नो ये कोई वर्ड है नहीं, लेकिन कितनी बार ऐसे मुद्दे, ऑफकोर्स वो ज़्यादा लंबे नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीच में ऐसे स्पर्ट्स में आता है कि जहाँ पे इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट यू नो मैन इन द हाउस, यू नो मैन इन द सोसाइटी। ऑफकोर्स उनको कैसा चाल चलन होना चाहिए, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम्स इस शो में दर्शाई जाती हैं। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट ओनली हैव फीमेल व्यूअरशिप बट वी ऑल्सो हैव अ वेरी वेरी बिग
मेल व्यूअरशिप ऑन द शो लाइक वनराज का अभी चल रहा है एंड ही सेड समथिंग वेरी पर्टिनेंट के चाहे खुद गलती करे इफ ही चीट्स या उसकी पत्नी चीट करे तो भी सब सारा ब्लेम मर्द पर ही आता है चाहे कुछ भी सो इट्स वेरी नाइस इट्स वेरी नाइस तो कहीं ना कहीं वो जरूर है एंड आई थिंक जैसे अनुज का भी दिखाया था कि मतलब एक फादर अपनी डॉटर के लिए किस हद तक जा सकता है सो ऑल दोज थिंग्स आर यू नो दे आर ब्यूटीफुल नुएंसेस एंड आई थिंक जो भी आर्डेंट व्यूअर्स हैं इस शो के उनको ये जरूर ये बात कहीं ना कहीं रजिस्टर हुई होगी सो जस्ट इट वॉज एन ऑफ ट्रैक आंसर बट आई नो आप लोगों को ये अच्छा लगा थैंक यू